फ्रेंड्स स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रेडमी के 20, तो मैं इसमें बात करने वाला हूं फ्रेंड चौंका देने वाली बातें, जो कि फ्रेंड आप जो है किसी भी सिम को 5G बना सकते हैं, वो कैसे आइए इस फ्रेंड जानते हैं। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में आप बड़े आसानी से फ्रेंड सिम को 5G बना सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को आपको ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन तो हर एक फोन में होता ही होता है फ्रेंड। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार तो ऐसे है जो कि सेटिंग्स नहीं आता है, तो आप यहाँ से भी सर्च करके ला सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ पे लिखना क्या है। आपको फ्रेंड यहाँ पे लिख देना है सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, बट मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क जो है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कौन से सिम को 5G करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एयरटेल 4G जो है लिखा हुआ, तो इस पे जो है क्लिक करना है आपको सिम 1 या 2 में, जिसमें भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। आपको इस पे जैसे कि 1 मेरे पास एक ही सिम कार्ड है तो मैं इस पे कर लेता हूं, और इस पे जो है हम कर देते हैं एयरटेल 5G। तो देख लेते हैं आप 5G कर लेते हैं, मैंने ये कर दिया है 5G, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके कर देता हूँ, अब देखने को आपको मिल जाएगा 5G। तो मैं आपको बैक करके एक कॉल भी करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको 5G के तरह देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड ये कॉल जो लगा नहीं है, लेकिन आपको 5G 100% देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। एयरटेल में आपका स्वागत है, अब हमारे साथ आनंद। तो फ्रेंड मेरा सर्वर डाउन चल रहा है इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।